राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले पहुंची। यात्रा के हिमाचल प्रदेश पहुंचने पर सीएम सुखविंदर सिंह ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा में हिमाचल को शामिल किया गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। राहुल जी, आप जिस सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच बार बार झूठ से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है और हिमाचल की जीत आपकी सच्चाई की जीत है, आपकी नीतियों की जीत है। जहां भारतीय जनता पार्टी के झूठ को आपने हरा कर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है, मैं एक बार फिर तहे दिल से आपका हिमाचल को आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टेज पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यहां जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। दो और मुद्दे हैं, बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है और फैलती जा रही है, और महंगाई। महंगाई के पीछे जो आप जानते हो, तीन चार लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार चलाई जा रही है। जो भी होता है उन लोगों के लिए होता है, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनके लिए नहीं किया जाता है। राहुल गांधी इस दौरान ये भी बोले कि हम इस यात्रा में लोगों को समझ रहे हैं, साथ ही बताया अपना प्लान। जो भी बीजेपी की सरकार करती है, हिंदुस्तान के दो तीन सबसे बड़े अरबपतियों की मदद करने के लिए करती है। इसीलिए हमने सोचा कि जनता के बीच में हम चले, जनता की बात हम उठाएं, और जो जनता के दिल में है उसको हम समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। बहुत खुशी है आज आप आया, कम समय दिया है, ये तो है। हिमाचल को सिर्फ एक दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था, मगर हमारे को जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हमारा प्लान था कि हम तकरीबन 30 तारीख को, जो गांधी जी की मृत्यु शहीद दिवस है, उस दिन पहुंचे, तो इसलिए सिर्फ एक दिन दे पाए। आमतौर से हम यात्रा में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। 25 तकरीबन किलोमीटर हम चलते हैं और अंत में 2-3 मिनट 10 मिनट हम भाषण करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और काफी एक्सपेक्टेशन से मैं आपके साथ चलने आया हूं। हिमाचल से निकली भारत जोड़ो यात्रा में सीएम सुखविंदर सहित सभी कैबिनेट मंत्री भाग लेते नजर आए।